हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग WCCB के नाम से जरूर जानते होंगे। WCCB जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। WCCB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल एसोसिएट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हम सभी लोग WCCB के नाम से जानते हैं, इन्होंने हमें अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल एसोसिएट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज एज अ लीगल एसोसिएट के तौर पे WCCB के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू कर दिया जाएगा और उसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मैक्सिमम आपका टेन्योर एज अ लीगल एसोसिएट के तौर पे WCCB के साथ अगले 5 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा WCCB के साथ एज अ लीगल एसोसिएट के तौर पे, वो आपका मिनिमम 1 साल का बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ लीगल एसोसिएट के तौर पे 50,000 rupees मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे WCCB के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB का कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये भी इन्होंने आपको क्वालिफिकेशन में क्राइटेरिया कह के मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस उसका अप टू 3 ईयर्स भी हो सकता है। यानी कि अगर आप कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 से लेके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है केसेस को हैंडल करने का, जैसे कि एनवायरमेंट फॉरेस्ट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर या फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर या फिर इन्हीं जैसे इश्यूज को लेके अगर उसने पहले केसेस हैंडल करे हुए हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम करता है और उसने एनवायरमेंट फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी या फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर एज एन लीगल ऑफिसर के तौर पे एडवोकेसी करी है, तो वो कैंडिडेट भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है
अगर कैंडिडेट के पास कोई डिप्लोमा हो या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करा हो उसने रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि एनवायरमेंट के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, या फिर बायोडायवर्सिटी के ऊपर, या फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो वो भी इनके लिए एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होगी। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि लीगल एसोसिएट के लिए इन्होंने, यानी कि WCCB ने जो वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ आपकी एक वैकेंसी यानी कि सिंगल वैकेंसी निकाली है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है कि ये लोग उन कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जिन कैंडिडेट्स ने अपनी LLB की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होगा, यानी कि अकेडमिशियन कैंडिडेट्स को ये लोग ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने अपनी LLB की डिग्री फुल टाइम करी हुई होनी चाहिए। ये इन्होंने आपको क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा लीगल एसोसिएट की पोजीशन के लिए। आप कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी कैंडिडेट इनके इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा उस कैंडिडेट को एज अ लीगल एसोसिएट के तौर पे WCCB में अपॉइंट कर लिया जाएगा। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आपके फॉर्म के बेसिस पे ही आप कैंडिडेट्स को WCCB शॉर्टलिस्ट करेगा। मेक श्योर करें कि आप अपने फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि WCCB कम्युनिकेट यानी कि इंटीमेट आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग ही में से किसी एक मेथड के थ्रू करेगा। तो मेक श्योर करें अपने फॉर्म में कि आप इन डिटेल्स को बहुत केयरफुली फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स की जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी WCCB के हेडक्वार्टर में होने वाली है, जो कि इनका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये इन्होंने आपको जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज बिलो 45 इयर्स है तो कैंडिडेट इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। आपकी एज बिलो 45 ईयर होनी चाहिए। तो ये इन्होंने आपको एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 3 जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को आप कैंडिडेट्स को प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई हर एक डिटेल को खुद से फिलअप करना है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे WCCB ने मांगी है जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इजीली इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कॉमेंट को ड्रॉप करके मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूँ कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और आपको और सारे अटैच करे हुए पेपर्स को आपको सेल्फ अटैच करना होगा, यानी कि हर एक पेज पे आपको अपने सिग्नेचर और नीचे डेट को मेंशन करना होगा। ये करने के बाद फॉर्म और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आप स्टेपल करेंगे और स्टेपल करने के बाद एक एनवलप में डालेंगे और आप इस एनवलप को पोस्ट करेंगे द एडिशनल डायरेक्टर सेकंड फ्लोर 3KUT1 बीकाजी कामा प्लेस WCCB न्यू दिल्ली, पिन कोड इज 1100066। इस एड्रेस पे आप अपने एनवलप को पोस्ट कर देंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका ये एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर
3 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा 3 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले आपका एनवेलप इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो WCCB ने अपने एडवर्टाइजमेंट में हमें प्रोवाइड कराई थी। इनकेस कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूँ आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग ऐसे ही हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट चाहते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।